नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गया आपका दोस्त और आपके अपने चैनल का होस्ट नितिन नेगी लेकर एक नए वीडियो से। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल के तहत आज आपको एक वीडियो बताने जा रहे हैं, जो कि एक उमर भाई साहब है, वो कैसे दिए और मट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये है भाई साहब हैं शैलेश भाई प्रजापति। देखिए वो अपने कैसे वो अपने इलेक्ट्रिक चाक पर, ये भी मॉडर्नाइज हो रहा है। इलेक्ट्रिक इनका चाक है जो पहले हाथ से घुमाया करता था, उसकी जगह अब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और ये दिए बना रहे हैं बड़े। बहुत और अब ये हमको छोटा दिया बनाकर दिखाएंगे। अब दूसरा कुछ छोटा से छोटा या मटका या कुछ सब लोग छोटा वाला होता है ना। अच्छा, दीपा छोटा वाला कुल्हड़ी कहते हैं। कुल्हड़ी, ये कुल्हड़ी है दोस्तों, कुल्हड़ी बना रहे हैं शैलेश भाई। बिरयानी बनाने को, बिरयानी बनने के होटल में सब काम आता है। बिरयानी मटका बिरयानी बनने के लिए जो मटका बनाते हैं होटलों में वो बना रहे हैं। सारे हाथ की कारीगरी है, हाथ का ही कमाल होता है। ये तो धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। देखो दोस्तों, लगभग 5 से 6 मिनट में इन्होंने एक चार आइटम बनाए। नया क्या बना रहे हैं शैलेश में? बटेरा बनाऊंगा, जमाने में वो चाय पीते थे ना। अच्छा, कुल्लड़। हाँ, कुल्लड़, चाय पीने का कुल्लड़ बना रहे हैं। हाँ, पहले जमाने में, अभी भी इसका नया चालू हो गया है, लोग पर कुल्लड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। चाय पीने का कुल्लड़ है शैलेश भाई, ये कच्चा माल हो गया आपका, फिर इसको क्या करते हैं? वो बट्टे में कल डालेंगे बट्टे। अच्छा, फिर बट्टे में डालते हैं तब ये रेड कलर का होगा। नहीं नहीं, रेड कलर लगा के देखो, ये बाहर कैसा है, रेड कलर लगा के कच्चे माल में रेड कलर लगा था। इस भाई ये क्या बना रहे हैं आप? ये चप्पल बनते हैं। अच्छा।
सब मटके पर फिर वो जो जवारा होता है ना माता जी के, अच्छा उसमें ये सब शुभ काम में उपयोग आते हैं। दिवाली की कुल्हड़ी बनती है, दिवाली की कुल्हड़ी जो अभी गांव में सब परंपरागत है कि जब काली चौदस की रात को है ना, कुल्हड़ी उसमें पानी डाल के जहां गांव का चौक होता है वहां सब रख देते हैं। अच्छा, गांव के चौक में ये कुल्हड़ी में पानी भर कर रखते हैं। तो ये तो आपने बना दिया लगभग 30 सेकंड में बनाया। हाँ। बहुत फास्ट काम है। हाँ। अब क्या बना रहे? अब बना रहा वो दीपावली के दीप, दीप बना रहे। हाँ। दीपावली के दिन कोड़िया कहते हैं। अच्छा, गुजराती में कोड़िया बोलते हैं। सब आधार मिट्टी पर होता है। अच्छा, मिट्टी का कौन सा है? चिकनी मिट्टी चाहिए? हाँ, उसमें थोड़ी गीली चाहिए, बहुत चिकनी नहीं चाहिए। उसमें थोड़ी अच्छा, दिया तो आपने 7 सेकंड में बना दिया। हाँ, बन गया, बन जाता है, लेकिन मिट्टी तैयार नहीं होती ना। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये अभी आपने बोला ना वो बटेरे बड़ा वाला। अच्छा, जो पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो इसमें सब दाल परोसते थे। अच्छा, गाँव में वो के बटेरी। अच्छा, वो पहला वो पत्ते के नहीं आते थे वो पत्ते, इसमें डाल पी रखते थे। अच्छा, और इसमें खाना। अब क्या बना रहे? वो चाय पीने की दूसरी पाली बनाता हूँ। अच्छा, चाय की पाली। स्पीड है। दोस्तों, शैलेश भाई जो मैन्युफैक्चरर थे उनसे रोड से निकले आनंद वर्ताल रोड पर जोर गांव आते हैं, वहाँ वो शैलेश भाई गांव में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और हम रोड पर आ गए जहाँ रोड पर ये लोग रिटेलिंग करते थे और उनके वहाँ रुककर हमने बना हुआ माल, जो तैयार माल था वो देखा है और वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो जोर वर्ताल रोड पर मिलता है, जोर गांव के बाहर। पांच पीस 80 रुपये का है दोस्तों। डिजाइन भी बहुत बढ़िया है, ये मशीन से बनाई गई है और इस पर
कलर केमिकल कलर नहीं है, बढ़िया कलर लगाया गया है। इस ये हार्मफुल नहीं है और चाइना के माल से तो बढ़िया है। ये चाइना नहीं है, ये इंडियन मेड है। और दूसरा बताइए, देखो दोस्तों ये भी 80 रुपये के 9 पीस है, 9 पीस 80 रुपये के। और यहाँ देखिए आप, पूरा गोडाउन इनका भरा हुआ है। बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं और इन लोगों की सहायता के लिए आप जो भी हो सके भाव कम मत कीजिए प्लीज, बार्गेनिंग इनके साथ मत कीजिए। क्योंकि आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ रेट मेन्यू फिक्स होता है, सब फिक्स होता है। आप देकर आते हैं, 1000-2000 का बिल आता है, आप देकर आते हैं। लेकिन ये छोटे लोग जो मेहनत से कमाते हैं उनके लिए आप लोग रेट मत कीजिए, जो मांगते हो दीजिए। और मैं अभी ये 2 पीस ले जाने वाला हूँ, उन्होंने मुझे 80-80 रुपया बोला है और मैं इनका उनको पूरी कीमत दूंगा 80 रुपये। तो क्या नाम है आपका? भरत भाई प्रजापति। और ये 2 पीस मैं ले जा रहा हूँ, आपने कितना बोला है? 100 साइन 100 साइन 2 का 100 साइन। ये 500 रुपया आप रखे और अपने, अरे सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको दिल से 300 रुपया देता हूँ ये 2 पीस। और दोस्तों आपको ये बता दूं, इन लोगों के साथ अगर भाव ताल नहीं करेंगे तो इनका भी भला होगा। और मेड इन चाइना लेने से अच्छा तो मेड इन इंडिया लो और अपने ही देश में पैसा रहेगा और अपने ही लोगों की खुशी रहेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा हमने वोकल के तर्ज पर बनाई गई ये मेरी वीडियो। ये लोग बहुत मेहनत करके सारा सामान बनाते हैं, पट्टी के सारा आइटम है, पट्टी के आइटम कोई हानिकारक नहीं है। जो बनाया है वो अच्छे कलर, केमिकल कलर नहीं है। और ये इनको खरीदिए, चाइना का माल मत खरीदिए, अपना लोकल प्रोडक्ट खरीदिए और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर इन लोगों की मदद कीजिए। फिर से नई वीडियो के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और आप जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।